भिखारी तो गली गली भगाते हो, पुलिस को मजाक समझ रखा है। और मारे सर। सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। बातें सुनिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। सर, आपको बड़े सर बुला रहे। आज बच गया तू। इस फाइल को देखकर एक बात समझ में आई, तुम लोग प्रोफेशनल चोर नहीं हो, क्योंकि उस दिन उस घर में 1 करोड़ रुपए के साथ 20 तोला सोना और 1 लाख का कैश और था, पर तुम लोगों ने उसे लिए बिना ही बैग में रखे 1 करोड़ रुपए ही चुराए। यानी कि तुम्हें उसके बारे में पहले से ही पता था। एए, तुम लोगों में से कोई सिगरेट पीता है क्या? नहीं सर, मैं पीता हूं सर। ये लो। नहीं सर। सर, वैसे आपने हमें पकड़ा कैसे? कौन है? कौन है? हम ही हैं सर। तुम लोगों ने चोरी कैसे की? किसने करने को कहा? चलो सब भूल जाते हैं, तुम लोग कौन हो? पहली बार में ही 1 करोड़ की चोरी करने की जरूरत क्यों पड़ी? हम सब बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे सर, हर जगह साथ ही जाते थे, चाहे वो मंदिर हो या स्कूल हो। पैसे ने अपनी ताकत हमें बचपन से ही दिखानी शुरू कर दी थी सर। इकबाल ने 4th क्लास में ही पढ़ाई छोड़कर मैकेनिक शॉप में काम करना शुरू कर दिया था। हम दोनों ने छोटे छोटे काम करते हुए पढ़ाई जारी रखी। हमारे साथ साथ हमारी तकलीफें भी बढ़ती चली गईं। इकबाल ने 20,000 के कर्जे के साथ खुद का मैकेनिक शॉप खोल दिया। शंकर ने बहुत मुश्किल से बीकॉम पास किया और मैंने बहुत मेहनत से बीटेक कंप्लीट किया। तब से हमारी जिंदगी में बहुत से बदलाव आए, छोटी छोटी खुशियां और बहुत से दुख और जिम्मेदारियां, और आखिरकार ऐसे यहां। क्या यार, इतनी जल्दी सुबह क्यों जाती है? अरे उठ बे। इतना अच्छा सपना देख रहा था, बीच में उठा दिया। वैसे सपना क्या आया? हे, मैं बताता हूँ, अपनी दीदी की शादी देखी होगी, पूरा घर सजा होगा, हम तीनों ने एक ही कलर की शेरवानी पहनी होगी, नाच गाना मस्ती, यही ना? हे, तुझे कैसे पता? तुझे भी ऐसा सपना आया था क्या? अरे नहीं यार, मुझे नहीं, इस हफ्ते में 3री बार आया है। तरह मेरी भी एक दीदी होती तब पता चलता। والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا
मॉर्निंग सर। शंकर तुम घर वापस जाओ। क्या हुआ सर? योर सेल इज 60%, 10% माइनस। मैं आपको सैलरी क्यों दूं? सर यू कैन लीव। सर सॉरी शंकर, तुम्हारी जगह पर किसी और को अपॉइंट कर दिया गया है। सर प्लीज सर, सर प्लीज सर, थोड़ा टाइम तो दीजिए ना सर। स्वामी शंकर का अकाउंट क्लियर कर दो, ये यहाँ से जा रहा है। मुझे आगे भी और पढ़ाई करनी थी सर, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि मेरा सपना सपना ही रह गया और मुझे नौकरी की तलाश करनी पड़ी। हर दिन इंटरव्यू के लिए जाते समय कम से कम आज तो नौकरी मिल जाएगी ये सोचकर निकलता था, लेकिन नौकरी तो छोड़ी है। नौकरी मिलना तो दूर रहा, चाय समोसा ही मेरी जिंदगी बनकर रह गई। पता चला तेरी नौकरी चली गई। तुझे ये बात कैसे पता चली? इकबाल ने फोन किया। तू तो यही था, फिर फोन कब किया? हाँ वैसे तेरी जॉब का क्या हुआ? जॉब मिलता है नसीब वालों को। फिर शंकर जॉब मिल गई? मिल जाएगी यार, साल में 6 नौकरी तो छोड़ ही चुका हूँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हेलो शंकर, सेठी बोल रहा हूँ, स्टॉक खत्म हो गया है, 2 कार्टून भेज दो। शेट्टी मैंने वो नौकरी छोड़ दी है, एक लिपस्टिक कंपनी में काम कर रहा हूँ, 2 कार्टून भेज दूँ क्या? शेट्टी पक्का बिकेगा। क्या बोल रहा है, समझ रहा है तू? तो फोन रख दो ना शेट्टी, जब जॉब में था तो एक बार भी फोन नहीं किया और अब देखो। बैठा दे मुझे, तू भी बैठ जा। यहाँ बैठकर क्या करेंगे, चलिए घर चलते हैं। अरे बैठ जाना, ठीक है तो मैं भी खड़ा हो जाता हूँ फिर। आपने आज तो कभी नहीं पी पापा, और आज पूरा नशे में किसी और की शादी में नाच रहे थे पापा। बचपन से मेहनत कर रहा हूँ मैं, मैंने हर एक काम किया पर शरीर ने साथ छोड़ दिया तो वॉचमैन बन गया। तेरी माँ से शादी करने के बाद बहुत सपने देखे थे मैंने, बच्चों को पढ़ाऊंगा, उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, उनके लिए अपना एक घर बना के दूंगा, लेकिन सारा पैसा तेरे भाई की दवाई और हॉस्पिटल में खर्च हो गया, कुछ भी तो नहीं कर पाया मैं। तो तेरी पढ़ाई में भी कोई मदद नहीं कर पाया, सब सब सपने टूट गए, सारे अरमान बह गए बेटा। मैं अकेला कब तक लड़ पाऊंगा तू ये बता। हो सके तो अपने इस बाप को माफ कर देना। माफ कर दे। पापा पापा बेटा, किसी ने कहा था कि पीने से आदमी सब कुछ भूल जाता है, इसलिए मैंने पी ली, बहुत पी, पर दर्द तो दिल में है ना, उसे कैसे भूल पाऊंगा, नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता, कुछ नहीं भूल सकता।
हे, ये गाड़ी बेचनी है। क्यों? पैसों की जरूरत है। कितने पैसे चाहिए? यही कुछ 15,000। तू भी ना, रेगिस्तान में भीख मांगने के लिए निकला है क्या? इतना मिलना मुश्किल है, तो तू ही दाम लगा देना। ठीक है। अरे इकबाल, यादव भाई की गाड़ी है, बुलेट साउंड नहीं आ रहा है, जरा देख तो। ठीक है भाई। ए शंकर। हाँ भाई। नौकरी चली गई तेरी? भाई आपको भी पता चल गया? ये भी आजकल खाली है ना? हाँ भाई। नंबर है ना मेरा, शाम को एक बार फोन कर। ठीक है भाई। तू चल रहे? पता नहीं कहाँ से आ जाता है। ये टेस्ट करवा लो। एक काम कीजिए, आप जरा बाहर बैठिए। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, आप थोड़ी देर के लिए बाहर बैठिए ना। ठीक है सर। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? कुछ नहीं माँ, दवाई कम रेट की लिखूँ या ज्यादा रेट की, बस यही पूछ रहे थे। अच्छा, कम रेट की ही लिखवानी थी। हाँ, घर चलिए। शंकर, ए शंकर, क्या हुआ? कहीं बाहर खाना खा के आते हैं। किसके यहाँ? क्यों बताएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। बस 5 मिनट वेट कर। हाँ? शंकर, डिनर है भाई आज, चिकन मटन, मजा आएगा। बेगानी शादी में दूल्हा दीवाना। वैसे डिनर किसकी तरफ से है? अपना रवि है ना, उसके भाई की बहन के दोस्त की शादी है। तब तो अपना बहुत क्लोज है ना? चल आगे खसक। सपने से बाहर आ जा, आना शुरू हो गया है, चल। तूने तो बस पीसी पीस लिया है, खाना कहाँ है? अबे खाना तो रोज ही खाता हूँ, एक दिन नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा क्या? तू भी ना। तो पढ़ाई क्यों नहीं करता है? पढ़ाई करके हम क्या उखाड़ रहे हैं? मैं नौकरी करूंगा तभी तो बहन स्कूल जाएगी। खाने की तलाश में, पढ़ाई करने की उम्र में पसीना बहाना, सपने अंधेरे में खो गए हैं यार। जीने के लिए मरना, आंसू नहीं पोंछने वाले बच्चे, क्या है यार ये सब? कभी सुधरेगा भी या नहीं? कैसी जिंदगी हो गई है यार। यार प्रभु लिख ले। क्या हुआ? बैठे बैठे भूकंप आ गया, इतना हिला दिया उसने। खुशी एक मिनट की, दर्द जिंदगी भर का, गुस्सा ही तलवार बनता है, तो कैसे जिए जिंदगी अपनी? चाय ठंडी हो जाएगी। आ जा। इतनी देर क्यों? बोतल कहाँ है? ए, तेरे घर वाले कहाँ हैं? फंक्शन में गए यार, कल सुबह तक वापस आएंगे। चीयर्स।
बेचारी मेरी माँ अभी भी 10 लोगों के घर में काम करती है, पहनने के लिए उसके पास 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं है। अरे हमारे भी अच्छे दिन आएंगे यार। एक दिन में बहुत पैसा कमाऊंगा और माँ को फ्लाइट में ले जाऊंगा, फ्लाइट में। डांस करने का दिल कर रहा है यार। एक मिनट अभी कुछ करता हूँ। संभल के। शंकर, शंकर दरवाजा खोल। क्या हुआ इसे? अरे माँ गई यार। मुझे क्या पता, मैं तो सोया हुआ हूँ। अरे ए, क्या कर रहा है? गाली मत दे। अरे उठ यार। वेरी इंटरेस्टिंग, उसके बाद क्या हुआ? हाँ बोल यार। पेट्रोल खत्म हो गया है, गोविंद भाई के दुकान के पास हूँ। यहाँ आ जाना भाई। प्यास लग रही है भाई, प्यास लग रही है, थोड़ा पानी दिला दो ना। थैंक्स भाई। भाई हम लोग नांदेड़ के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। पहले मुझे कॉल आता तो कट करके कॉल किया करता था, पर अब मुझे ऐसे डिब्बों के पास आना पड़ता है। मेरे गांव में मेरे घर के बाजू में एक नालायक रहता था भाई, वो मेरे पिताजी से कहता था, अरे अजय जी आप तो खुशकिस्मत है, आपके बेटे ने तो डिग्री कर रखी है, उसे किसी शहर में भेज दो। और यहाँ क्या हुआ? शहर क्यों आए पूछने पर, अरे कोई कोर्स कर लो, उसे करने के बाद हर महीने 30-40 हजार रुपए मिल जाएंगे, सब आसान हो जाएगा। तो मेरे भाई के बेटे ने भी यहाँ आकर यही किया। हुआ क्या, 30-40 हजार की नौकरी के चक्कर में मेरे बापू के पैसे चले गए। सुबह सुबह मेरे बापू ने मेरा बैग तैयार किया, मेरे हाथ में पैसे दिए और कहा तू शहर चला जा और जाके अपनी जिंदगी बना। तो फिर मैंने भी सोचा कि शहर में लड़कियां तो काफी अच्छी होती हैं, तो चलो शहर चलते हैं, ये सोच के मैं शहर चला आया और पूरे गाँव में ढिंढोरा पीट दिया। और मुझे यहाँ आए पूरा 1 साल हो चुका है, साथ में लाए पैसों के साथ साथ कोर्स पर कोर्स किए जा रहा हूँ मैं, लेकिन आज तक नौकरी नहीं मिली मुझे। कब मैं महीने के 30 हजार कमाने लगूंगा, कब मैं अपने बाप के हाथ में पैसे रखूंगा, कैसे उन्हें समझाऊंगा, क्या बताऊं अब तुम्हें क्या समझाऊं? लेकिन मैं मेरी तकलीफ तुम्हें क्यों बता रहा हूं? वैसे तुम कहां के रहने वाले हो? मैं यहीं का हूं। हाँ वैसे तुम कहीं से भी हो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम सब इंसान ही तो है, हम सब एक ही तो है। अच्छा भाई पानी दिलाने के लिए थैंक्स। हाँ सब अपने अपने में लगे हैं।
यार अगर भगवान वरदान देना चाहे तो तू क्या मांगेगा? पहले तू बता। ओके, एक बड़ा घर, एक कार, ये सब नहीं मांगूंगा, 100 करोड़ रुपए मांगूंगा। बस हो गया, जीने के लिए इतना तो चाहिए ना यार। ठीक है, वैसे तू क्या मांगेगा? मैं 5 मिनट में प्रत्यक्ष होने को कहूंगा। क्यों बे? लिस्ट बनानी पड़ेगी यार। मजाक कर रहा है? ए, सो जाओ यार, कुछ भी फालतू में बकबक कर दे रहे थे, और कोई काम नहीं है क्या? गधे कहीं के। जा रहा हूँ पर खुजली मिट क्यों नहीं रही है यार? ये अपना पैर खुद खुजाएगा तो ही जाएगा, दूसरे के खुजाने पर नहीं। तू कितना ग्रेट है शंकर, नींद में भी अपना नुकसान नहीं करता। क्या हुआ, सुबह सुबह मंत्र उच्चार कर रहा है? नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते नमस्ते भाई, आपके बालों को क्या हुआ? बाल के बारे में जानना जरूरी है क्या? शाम को भाई ने दावत रखी है, तुम तीनों आ जाओ, छोटे छोटे काम करेंगे। हाँ, हर एक को 1,000 रुपये दिलवा दूंगा, वैसे भी तुम लोग खाली हो, चाय पानी का निकल जाएगा, ठीक है ना? ठीक है भाई, आता हूँ। हेलो, हाँ नमस्ते भाई। भाई थैंक्स भाई। बात करोगे मेरे भाइयों से? हम दोनों प्यार करते हैं, तुम्हारी भाई क्या चीज है, जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री से भी बात कर लूंगा। वो बात नहीं है, एक बार सोच लो, मेरे भाइयों को तुम जानते नहीं हो। तुम तो डर क्यों रही हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, फिर क्या है की टेंशन? अरे मैं सब संभाल लूंगा। एक बार और सोच लो। अरे मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो डर जाऊँ, प्यार करता हूँ तुमसे। ठीक है, देखते हैं। यार जो हमारे सामने हाफ पैंट में घूमते थे वो भी आजकल बाइक में घूम रहे हैं, और हम जहाँ थे वहीं पड़े हुए हैं। थू, ऐसी जिंदगी पे। शंकर भाई कोई काम हो तो बताओ ना।
कुछ देर बाद होटल पे आ जा, वहीं बात करते हैं। ठीक है भाई। हाँ शंकर, हम लोग शाम को मिलते हैं। ओके, ठीक है भाई। कहाँ था इतनी देर तक? क्या बनाया खाने में? रोज वही खाना। शंकर, काम मिला गए? रोज रोज आज मेरा ये हाल तुम्हारी वजह से हुआ है। जितना पिया है ना उतना बचाता तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। किसी बाहर वाले का गुस्सा अपने बाप पर क्यों उतार रहा है? छोड़ इन्हें। अपने बाप पे हाथ उठाता है, बोल दे उससे। मेरा बाप मुझे एक ही समय खाना खिलाता था, लेकिन मैं उसे तीन समय खिलाता हूँ। अब कभी उससे बात नहीं करूँगा। मुझ पर हाथ उड़ाया? ए छोटे, गम को भुलाने के लिए पीता था मैं, लेकिन वही जिंदगी बन जाएगी कभी नहीं सोचा था। बाप पे हाथ उठा के अच्छा नहीं, क्या करूँ मैं? पैर पकड़ के माफी मांगूंगा तो भी कम है। बेवकूफ हूँ मैं, बेवकूफ। अरे इतनी सुबह सुबह घर आ गए भाई? वो 5,000 रुपए उधार चाहिए थे। तमाशा है क्या? जो पहले उधार लिए थे उसका मूल तो छोड़ो, ब्याज तक नहीं पहुंचा है। शर्म नहीं आती क्या दोबारा कर्जा मांगते हुए? ऐसी बात नहीं है भाई। तो फिर कैसी बात? कल रात में मेरे पापा का देहांत हो गया भाई, शव उठाने के लिए पैसे नहीं है। अरे ये बात तुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। रुक जा, अभी लाता हूँ। भाई क्या रे, सोच रहा है मैंने कमीशन कट नहीं किया? मैं भी इंसान हूँ, जा। थैंक्स भाई। बिजनेस करना चाहता हूँ। यहाँ पे या मुंबई में? वैसे कौन सा बिजनेस? प्रजा सेवा। कहीं तुझे पॉलिटिक्स तो ज्वाइन नहीं करनी? वहाँ जाना है तो मैं इंसान हूँ, ये भूलना जरूरी नहीं है। समझ गया ना? मैन लीड्स हिज डिफिकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम यानी हमारे राष्ट्रपति ना? हाँ, कुछ साल पहले। हम्म।
दीदी शाम को कहाँ गई थी? अपने फ्रेंड के घर गई थी। कौन सी फ्रेंड? क्या हुआ इससे पूछो, शाम को कहाँ थी? क्या हुआ, क्या कह रहा है ये? हाँ क्या बात है? हाँ मैं उसके साथ सोने गई थी। क्या कह रही है तू? हाँ मारो और मारो, मारो। इस पैसे के लिए उसके साथ सोने गई थी मैं। पैसे की क्या जरूरत है? हाँ भाई, हाँ हो गया भाई, हाँ हाँ मैं अभी आ रहा हूँ भाई, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ अम्मी मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ। आप थोड़ी देर के लिए बाहर बैठिए। क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ, आप जरा बाहर जाके बैठिए ना। ठीक है सर। ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हुई है, बहुत जल्द ऑपरेशन करना होगा और इसमें बहुत पैसे भी खर्च होंगे। आंटी आप इस वक्त? इकबाल यहाँ आया है क्या? नहीं आंटी। घर में एक छोटा सा झगड़ा हुआ और वो गुस्से में निकल गया, अब तक घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ गया होगा। आप घर जाइए आंटी, मैं देख के आता हूँ। ये क्या, दुनिया की सारी तकलीफें लगता है भगवान ने तुम तीनों में ही बांट दी है। लाइफ पूरी ट्रेजेडी है ना, हाँ कोई लव स्टोरी नहीं है क्या इसकी? है ना सर। एक मिनट, लव स्टोरी सुने हुए बहुत दिन हो गए हैं, चलो सुनाओ। उसका नाम विद्या है, थोड़ी सी रिच, उसके दिखाई देते ही मेरी नजर, मेरे कदम बिना मुझसे पूछे ही उसके पीछे चले जाते थे। ऐसे ही हमेशा देखकर कुछ दिनों पहले शुरू हुआ मेरा सफर कुछ महीनों में बदल गया। शंकर वो अकेले ही है यार, आज कुछ भी करके बात करता हूं। अरे मैं तो निकल रहा हूं। ए शंकर, वो कभी कभी देखती थी, प्यार से देखती थी या गुस्से में, यह समझ में नहीं आता था। उससे बहुत बार बात करने की कोशिश करता था, मुझे आपसे बात करनी है। एक बार मेरी बात तो सुनो विद्या प्लीज। जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करता था तो वो ऐसे भागती थी जैसे हिरण ने शेर को देख लिया हो और मैं कुछ ना कर पाता। ऐसे वक्त पर मुझे गुस्सा आना चाहिए था, पर मुझे तो पहले रोना आता था, फिर मुझे खुद पर ही तरस आता था, क्या लाइफ है ये सोचकर। लेकिन एक दिन सडनली अरे हे प्रभु, तेरे पीछे ही आ रही है। सच में? हाँ, धीरे से पलट के देखना।
दिल 200 की स्पीड से धड़क रहा है क्या? लगता है फट जाएगा। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ए रुकना शंकर, शाम में मिलते हैं। मैं उसके पीछे से जाऊं या आगे से जाऊं, फिर भी मैं उसे फॉलो कर रहा हूं, ऐसे ही समझेगी। एक काम करता हूं, यहीं बैठ जाता हूं। ये सब बहुत हो गया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलते चलते बात करें। इतने दिनों तक मैं तुम्हें अवॉइड कर रही थी, उसके लिए सॉरी। तुम मुझे पसंद करते हो क्या? जान से ज्यादा। तुम मुझसे प्यार करते हो? आप मुझसे शादी करोगी? यानी अभी नहीं, 2-3 साल बाद, लाइफ में सेटल होने के बाद। 2-3 साल बाद ना, वो देख लेंगे। क्या तुम मुझे जिंदगी भर ऐसे ही प्यार करोगे? जब तक जान है, इससे भी ज्यादा प्यार करूंगा। टाइम कितना हो? सॉरी, सॉरी दिव्या। सिर्फ टच करने से बच्चा थोड़ी ना हो जाएगा। दिव्या, एक बात पूछूं? पूछो ना। तुम मना तो नहीं करोगी ना? क्या है वो तो बताओ। गुस्सा तो नहीं करोगी? पहले बताओ तो क्या है। क्या मैं तुम्हें हग कर सकता हूँ? तुम्हें ठीक लगता है तो ही? वो अब तक किसी लड़की को छुआ नहीं ना, तो कैसा फील होता है? आज हग करने को कहोगे, कल किस करने को कहोगे, परसों कुछ और करने को कहोगे। दिव्या, आगे कभी टच भी नहीं करूंगा, शादी होने तक। लाइफ में पहली बार एक लड़की को हक करना, अंधेरे में जैसे जिंदगी को देख लिया हो मैंने, ये पूरी जिंदगी उसके नाम। सच में मुबारक भाई, ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। बस कर रहे? अरे ले ना, अरे मैंने तेरे लिए अलग से बनवाया है। खा ले। कौन? कौन गर्लफ्रेंड है बताओ ना। नहीं कुछ नहीं, देखने दो। पकाओ। ये पकाओ कौन है? शंकर को ऐसे ही बुलाते हैं। ओह अच्छा, ये कैसे यूज करते हो तुम? इसे बनाने वाली कंपनी भी अब तक इसे भूल गई होगी। नया मोबाइल ले सकते हो ना? कब तक ये मोबाइल चलाओगे तुम बताओ? जॉब मिलने के बाद ले लूंगा। ठीक है, कितना हो गया? 50 रुपया। 50? ओके मैं देती हूँ। अरे मैं देता हूँ ना। नहीं मैं दे रहा हूँ, तुम लोगों। ठीक है तुम दे दो। कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम दे दो। तुम दे दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दे दो ना। ठीक है मैं पे करती हूँ।
हेलो, इज दिस मिस्टर प्रभु? यस स्पीकिंग। मिस्टर प्रभु, योर रेज्यूमे हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, कुड यू कम डाउन टू ऑफिस टुमारो मॉर्निंग? ओके मैडम, एड्रेस? प्लीज नोट डाउन द एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। एक मिनट मैडम। मैडम वन मिनट, मैं पेन ढूंढ रहा हूँ। मिल गया। हाँ बताइए मैडम। ओके सपना है। ये बताओ तुम नहाए कि नहीं? नहाया तो नहीं, तुम्हारे फोन कॉल से ही उड़ गया। मेरी फ्रेंड का भाई एचआर में है। उनकी कंपनी में एक वैकेंसी है, जाकर मिल लो ना एक बार। ठीक है। कल दुनिया को नाज हो ऐसा दिन है, पता है? क्या खास है? एक लड़की का जन्मदिन है। कल तुम्हारा बर्थडे है, बताया नहीं? अभी बताया ना, क्या गिफ्ट दोगे? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ भी नहीं चाहिए, बस रेडी होकर कल मेरे घर आ जाना। घर पर तो सब लोग होंगे ना? और क्या चल रहा है? क्या होगा? अब चलें क्या? लेट हो रहा है। चलो। नहीं सर। क्या है? अबे हमारा पैसा, मैं कुछ नहीं बता। हमें हमारे पैसे चाहिए। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं पता। हमें हमारे पैसे चाहिए। एक हफ्ते का टाइम देता हूँ, एक हफ्ते में हमें हमारा पैसा नहीं मिला, ओके सर, तुझे रास्ते पे लाकर खड़ा कर देंगे, याद रखना। ए, कल तेरी भाभी का जन्मदिन है, गिफ्ट खरीदना है, कितना है तेरे पास? 100। और थोड़ा? 150। देखना यार, कितनी बार भी पूछ ले, सिर्फ 150 रुपए हैं लास्ट। गिन ले। ये ले 200। वैसे तेरे पास कितना है? 200 रुपए हैं, पूरे 550 हो गए। इतने में क्या गिफ्ट आएगा? हाँ, उसे लाफिंग बुद्धा बहुत पसंद है, हमेशा हंसते रहो कहती है। उस बुड्ढे को खरीदने के लिए 550 रुपए? अरे वो 50 रुपए में मिल जाएगा यार। 5000 का भी मिलता है, वैसे तेरी भाभी के लिए तो 150 रुपए के लिए काहे का सेंटीमेंट। वैसे भी दुकल जाके, अंकल अंकल मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, सुनते ही चप्पल से मारेगा। इसकी बात सुनेगा तो कुछ भी नहीं होगा, कल जो भी कहना यहाँ से कहना, सब कुछ अच्छा होगा। ए, कल सुबह सुबह मैं नहीं आने वाला। अरे मैं ठीक लग रहा हूँ? झकास। क्या यही लिखा है? और तुम्हारे सुनहरे भविष्य का क्या होगा? मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा, मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। वैसे तुम लोगों ने ये चोरी आखिर की कैसे? हमने की नहीं सर,
हमारी परिस्थितियों ने करवाई हमसे। गरीबी, घर की तकलीफें, दुख, भूख, इसने हम लोगों से चोरी करवाई। हालातों ने चोरी करने के लिए कहा? नहीं ना, हम खुद ही गलत करते हैं और आराम से दूसरों पर डाल देते हैं, सही है ना? हालातों ने चोरी का रास्ता दिखा दिया सर। हमने चोरी करने के बारे में सोचा नहीं था सर। उस रात जब हम इकबाल को ढूंढने गए थे, इकबाल, ए, क्या हुआ तुझे? इकबाल, हे इकबाल, इकबाल, ए, आंखें खोल यार, उठना यार। क्या हुआ? सुबह हो गई क्या? हाँ मिल गया आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग आ रहे हैं। कहाँ है पता है? चल घर चलते हैं। चल क्यों ना यार। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बचपन से एक भी दिन हम अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे, कपड़े भी अपनी पसंद के नहीं पहन पाते, जो है उसी में खुश रहो, 10 रुपए भी अपने ऊपर नहीं खर्च कर पाते। आखिरकार माँ के इलाज के लिए बहन को अपना शरीर बेचना पड़ा। मेरा तो मर जाने का मन कर रहा है। तेरे मरने के बाद तेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी क्या? एक बात ध्यान से सुन ले, आज जैसा कल नहीं होगा और कल जैसा परसों नहीं। इंसान में थोड़ा तो सब्र होना चाहिए। सब्र की भी हद होती है यार। जरा उनको देख, उनसे तो हम बेहतर है ना। सुन इकबाल, छोड़ ना यार। हटो। कहाँ कहाँ लेकर जा रहा है? कहाँ यार? बैठना। अरे लेके कहाँ जा रहा है? ए तू गाड़ी रोक। इधर चुप रह, मैं बताता हूँ। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ। अरे तू कहाँ लेके जा रहा है, कुछ तो बता। अरे बताएगा तो सही। बताता हूँ ना, चुप रह। अरे यार मेरी बात सुन, गाड़ी रोकना। बैठ।
वो बात ये है कि अरे क्या तरीका है, तुम कभी भी बुला लेते हो। वो भाई कल सुबह की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं, इसलिए अभी देने के लिए बोला है। तो ये क्या है, 1 करोड़ रुपए चेक देना चाहिए था ना। आपने चेक मना किया था? अरे वो बात नहीं है, ले लीजिए पैसे। इतना सारा कैश, कल संडे है और पूरा दिन घर पे। चल ठीक है, अपने भाई से कहना कि मैं मंडे को 10 खत कर दूंगा। ठीक है सर, पैसे के लिए कोई भी काम करता हूँ, कम वक्त ये भी कोई जिंदगी है क्या। कल संडे है, बैंक बंद रहेगी, पूरा पैसा घर पे ही रहेगा। हाँ तो कल हम 1 करोड़ की चोरी करने वाले हैं। ये कोई सिनेमा नहीं है, चोरी करके आराम से जीने के लिए। पकड़े गए तो जेल में चक्की पीसेंगे, जिंदगी खराब हो जाएगी। वैसे भी अब खोने के लिए बचा ही क्या है, जब पकड़े जाएंगे तब ना। नहीं नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। मुझे अभी पैसों की जरूरत है और तुम लोगों को भी। कल रात तुम लोग मेरे साथ चल रहे हो। पूरी रात भर सोचा, वैसे भी वो रिश्वत के पैसे थे, चुराएंगे तो गलत नहीं होगा ऐसा लगा, इसलिए। कुछ भी होगा तो तीनों की जिम्मेदारी होगी। पैसे हम आज चोरी करने वाले हैं, चोरी कर भी पाएंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन एक दूसरे को हम 20 सालों से जानते हैं, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का मौका कभी नहीं आएगा यार। क्या कह रही थी सुबह? नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो उसे, ये क्या तरीका है, छोड़ दो उसे। बोल, पैसों का बैग कहाँ रखा है, बोल। मेरे पास कोई पैसे नहीं है भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? कौन नहीं तो मौत डालूंगा, बताओ। अरे सच बोल रहा हूँ, मेरे पास बेडरूम में बेड के नीचे। समझने की कोशिश करो, अब सब कुछ हमें ही कैसे मिल सकता है। यहाँ मेरे साथ 39 मिनिस्टर हैं, उनके साथ परिवार वाले भी होंगे, उनके रिश्तेदार भी होंगे, उनके शुभचिंतक भी होंगे। अभी और 3 साल में पद पे रहूंगा। अरे इंडस्ट्री, तुम भी तो कुछ बोलो। सर फोन आया। सर हेलो। क्या सर, एक हाथ से पैसे देते हो और दूसरे हाथ से पैसे लूट लेते हो? क्या बोल रहे हो सर, आपने अभी तक दस्तखत नहीं किए हैं। 1 मिनट, रात को अपने आदमियों ने तो जाकर कहीं उसे। नहीं सर। तो फिर पैसे लेते वक्त किसी ने तुम्हें देखा था क्या? नहीं सर। क्यों सर, क्या नाटक कर रहे हो आप? वो पूरे 1 करोड़ रुपए कोई तमाशा नहीं है। पर ये बात किसी को बताना मत, इसे मैं खुद देख लूंगा। अच्छा है, पहली बार था फिर भी काफी अच्छे से ट्राई किया। 1 करोड़ से जिंदगी बदल जाएगी सोचा था, सच में ही बदल गई। यहाँ ऐसे जेल में। वो फोटो कब निकाला सर? 1 करोड़ रिश्वत लेने वाले के यहाँ सीसीटीवी कैमरा हो सकता है, इसका भी कॉमन सेंस नहीं था तुम्हें? क्या तुम लोग इतने पैसे से खुश हो जाओगे? एक बात याद रखना, पैसे खुशी नहीं देते पर जरूरतें तो पूरी करते हैं। बहुत दिमाग है तुम लोगों के पास। चोरी करते समय ये अकल कहाँ चली गई थी?
भगवान तुम लोगों को करोड़पति बना देता और फिर एड्स की बीमारियां तुम्हारी पत्नी को किसी और आदमी के साथ भगा देता तो तुम लोग खुश रहते क्या? बताओ, मुझे देखकर तुम्हें क्या लगता है? आपको क्या है सर, अच्छी जॉब है, पैसे हैं, हैप्पी लाइफ होगी, ऐसा तुम्हें लग रहा है। मुझ पे कितने कर्जे हैं ये तुम्हें नहीं पता। हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। तुम लोग बहुत खुशनसीब हो। एक इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी में अनुभव करता है, तुम लोगों ने बस 25 साल में ही कर लिया। जिम्मेदारियों को, परेशानियों को और गरीबी सब कुछ सहा है तुम लोगों ने। भगवान ने ये जो तुम लोगों को दिया है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ, सच कह रहा हूं। एक इंसान को जिंदगी का हर पहलू देखना चाहिए। गलत फैसले लेकर जिंदगी को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके पहले कॉल किया था, कट कर दिया मैंने। दोबारा फोन करने का क्या मतलब है? समझ में नहीं आता कि मैं बिजी हूं? रखो फोन, इडियट। एक बात हमेशा याद रखना, जिसने सुख देखा है उसे दुख देखना ही पड़ता है, जिसने दुख देखा है वो सुख भी देखता है। ये तो रजनीकांत का डायलॉग है सर। डायलॉग किसी का भी हो, सिचुएशन में फिट होना चाहिए। दुख को एंजॉय करना आना चाहिए, तभी सुख को भी एंजॉय कर पाओगे। हाँ, उस होटल का क्या हुआ? कैसा होटल सर, 4 दिनों के बाद ही बंद करना पड़ा। तुम लोगों ने जो फैसले लिए हैं उसे तुम्हारे घर वाले झेलेंगे क्या? जेल में जाओगे तो तुम्हारे परिवार का क्या हाल होगा, कभी सोचा है तुमने? बिना सोचे ही चोरी कर ली सर, वो पैसे हम लौटा देंगे, हमें छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, हमें माफ कर दीजिए सर। तुम लोगों की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ, इसलिए छोड़ रहा हूं। थैंक यू वेरी मच सर। दोबारा ऐसी गलती मत करना। सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक्स सर। चाय पिलाओ। चल। बैग तो यही रखा था सर, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक से देखना। नहीं है यार। क्या नाटक कर रहा है तू? एनकाउंटर कर दूंगा यहीं। कहाँ रखे? बोल। यही रखा था सर। पता कहाँ रखा है? यही रखा था सर। उस दिन वो शहर में नहीं था सर, तो यही रखना हमने सेफ समझा। चुपचाप बताता है कि शूट कर दूं। जल्दी बोल, कहाँ रखा है? बोल। यही रखे थे सर। चल बोल। बोल। बोलता है कि खोपड़ी खोल दूं। बताता हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए। उसी दिन यहां से बदल दिए थे। नहीं, तूने हम लोगों के साथ धोखा किया। दोस्ती के नाम पे कलंक है तू। करोड़ रुपया लेकर अकेले ही जाना चाहता था, लेकिन सब बता दिया। तू इंसान ही नहीं है। तुम
लोग दोस्त नहीं तो कोई और सही, लेकिन पैसे। बचपन से साथ में थे ना हम, फिर क्यों ऐसा? मुझे साफ साफ दिख रहा है तुम लोगों का बचपन का साथ जो पैसे के लिए बदल गए। ऐसी दोस्ती है? मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे बस पैसे चाहिए। आप देख रहे होंगे अपने एसपी, बैग में कितना है ये जानना जरूरी है, पीछे खड़े तीन लड़कों के बारे में भी जानना जरूरी है। कट कट कट, सीन थोड़ा बदल के। ए, यहाँ क्या देख रहा है, चल जाए से, चल। बॉस, चलो हम लोग कुछ बात करते हैं। ए, जा रहे? चलो। ये भी सूट करेगा क्या? अरे बाहर खड़े रहो, मैं आता हूँ। मेरी बात सुनो, 50,000 लेकर सब भूल जाओ। क्या सर, मजाक कर रहे हैं क्या? कैसा मजाक? अरे नहीं सर, मेरे ऊपर तीन और है। 50,000 में क्या होगा, 50 लाख दीजिए कुछ होगा। 50 लाख? ये आईएएस की सर्विस 20 साल होती है, एक मिनिस्टर की राजनीतिक जिंदगी 30 साल होती है, और अगर आप कहीं टीवी पे टेलीकास्ट हो गए तो फिर आपका भविष्य और हमारे चैनल की टीआरपी कहाँ जाएगी सर? ये सब तुम्हें कैसे पता? क्या सर, हम मीडिया वाले हैं सर। 50 लाख बहुत ज्यादा होते हैं। 50 लाख के बारे में ज्यादा मत सोचिए सर, पूरा रिकॉर्ड हो गया है, खासकर आपकी इनकाउंटर वाली बात। जरूरत है इसलिए पूछा, अगर हो सके तो दे दीजिए वरना जाने दीजिए। एक मिनट, फोन उसे दे। नमस्ते सर। क्यों भाई, सिर्फ 50 लाख ही छोड़े? क्या मैं तुम्हारे हेड से बात करूं? मैं मेरे ही चैनल को दूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है सर, और अगर अपने चैनल को दूंगा तो हमेशा की तरह सैलरी ही मिलेगी। वैसे भी आजकल ईमानदारी कहाँ है सर, 50 लाख आपके लिए कौन सी बड़ी चीज है? फोन सर को दे जरा। हाँ देता हूँ सर। सर ये लीजिए। हाँ बोलिए सर। ओके ओके सर, ठीक है सर। ओके, ऑफिसर से कुछ भी करके 50 लाख पे दस्तखत करवाने पड़ेंगे। एक बार फाइल आगे निकल गई तो फिर 100 करोड़ का मामला होगा। वो कॉलेज में मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मेरी जान, चोर कहीं का। सर तुम लोग को तरस खा के नहीं छोड़ रहे हैं, वो पैसे पता है किसके हैं? एक मिनिस्टर के हैं, और लिया किसने है पता है? एक आईएएस ने। अगर तुम लोग को जेल में रखेंगे तो सच्चाई पूरी सामने आ जाएगी, इसलिए तुम लोग को छोड़ दिया। जाके बाहर शांति से जियो। बोलने पर समझा नहीं, इतना बड़ा स्केच होगा पता नहीं था। मैंने पैसे कहीं नहीं बदले थे, हमने बैग को पहले से ही मेरे चाचा की दुकान में छुपा कर रखा था। पहले जिस घर में गए थे वो इसके दोस्त का घर है।
असल में हमें वहां जाने को बोलने वाला ही वो था। हम पर डाउट ना है इसलिए उसने ये नाटक रचा। ए डेढ़ शाना है तोपे तोप 30 मार खान। ए ये सलमान खान है सल्लू भाई। ए ये इंसान नहीं है भगवान है भगवान। इन पैसों से हमारी जिंदगी बदल जाएगी सोचना वो सिर्फ हमारा वहम है। इंसान की जिंदगी बर्फ पर चलने जैसी होती है। कभी भी कुछ भी हो सकता है।